नमस्कार, मेरा नाम हर्षित पांडे है और मैं यूसीबी से नागन से हूँ। मैं यहाँ पे आपको कुछ बच्चे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इनके साथ हम थोड़ा सा एक डेमो करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यूसीबी बच्चों की मेंटल कैलकुलेशन पर किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से हम उनकी कैलकुलेशन को फास्ट बना पाते हैं। ठीक है, तो थोड़े छोटे मोटे से क्वेश्चन हम इनसे पूछेंगे। बीच में से मैं आपसे भी कुछ क्वेश्चन लूंगा, प्लीज आप अपना सपोर्ट दीजिएगा और क्वेश्चन मुझे प्रोवाइड करिएगा। ठीक है, रेडी है? आप सभी के पास फोन हो गया, आप लोग अपना कैलकुलेटर ऑन कर सकते हो। कैलकुलेटर में आप देख सकते हो कि ये जो बच्चे कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सही है या गलत है। ठीक है, सो आप अपना कैलकुलेटर निकाल लीजिए एंड जस्ट डू इट। आर यू रेडी? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन। 4 माइनस 2 माइनस 1 5 माइनस 1 1 3 माइनस 2 माइनस 5 2 दैट इज 4। क्या किसी ने कैलकुलेट करा? 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 3 6 माइनस 5 3 माइनस 1 माइनस 2 5 दैट इज 6। किसने कैलकुलेट करा? कोई मुझे बता सकता है सही है गलत है? ओके, प्लीज आप लोग अगर अपने कैलकुलेटर को निकाल लेंगे, मोबाइल में सबके पास कैलकुलेटर होता है, ठीक है ना, और जो मैं क्वेश्चंस बच्चों से पूछ रहा हूँ बस आपको वो उसमें कैलकुलेटर में परफॉर्म करना है तो आपके पास भी करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इनसे क्या होगा कि आप जज कर पाएंगे कि बच्चे सही आंसर्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो 6 इन्होंने बोला है, 6 इज द करेक्ट आंसर। सिंगल डिजिट, 5 रोज। रेडी है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 7 7 4 7 3 दैट इज 36। किसने कैलकुलेट करा? 36 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 4 4 7 9 7 दैट इज 40। किसने कैलकुलेट करा? 40 इज द करेक्ट आंसर। अगर करेक्ट है तो प्लीज फोन दिखा दीजिए जिसने भी करेक्ट करा कैलकुलेट। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 माइनस 4 2 माइनस 3 8 माइनस 6 दैट इज 5। अब कैलकुलेट करा किसी ने? 5 इज द करेक्ट आंसर। ओके, 5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 माइनस 3 4 माइनस 3 8 माइनस 4 दैट इज 8। किसी ने कैलकुलेट करा? सर ने कैलकुलेट करा है और 8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए सिंगल डिजिट, एक बार क्लैपिंग कर दीजिए प्लीज। सिंगल डिजिट ओवर, डबल डिजिट क्वेश्चन। ठीक है, डबल डिजिट 5 रोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डबल डिजिट का मतलब 10 से लेकर के 99 तक के जितने भी नंबर्स हैं उनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे और बच्चों से आंसर जानेंगे। 5 रोज तक ये कैलकुलेशंस होंगे। ठीक है, रेडी है? 22 39 68 59 24 31 दैट इज 243। किसने चेक करा? करेक्ट है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 62 माइनस 23 89 23 86 माइनस 42 दैट 195। किसने चेक करा? ठीक है, 195 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 79 माइनस 46 34 58 53 माइनस 18 दैट इज 160। किसने चेक करा प्लीज? सही है, पीछे मैम ने चेक कराया। ओके, 160 इज द करेक्ट आंसर। तो एक बार प्लीज क्लैपिंग दे दीजिए, फटाफट से आपकी क्लैपिंग की बहुत जरूरत है। जब तक आप क्लैपिंग नहीं देंगे इनका नर्वसनेस नहीं जाएगा, है ना, और यही चीजें हमें बच्चों के अंदर से हटानी होती है। आप ये चीज सोचिए कि ये सारे बच्चे इस स्कूल के नहीं है, ठीक है ना, फिर भी यहाँ पे खड़े हैं और यूसी मैथ्स जो है आपके बच्चों के साथ ही इसी तरीके से वर्क करेगा और उनको इस काबिल बनाएगा कि वो रैंडमली किसी भी पर्सन के सामने जाकर के खड़े होकर के अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो ये जो हेजिटेशन होता है बच्चों के अंदर उसको दूर करने में भी यूसी मैथ्स का बहुत बड़ा रोल होता है। रैंडम पीपल, रैंडम एक पूरी क्राउड और उसके सामने बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। अच्छे अच्छे लोग जब स्टेज में पहुंचते हैं ना तो उनके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हमें बच्चों के अंदर से हटानी है और अभी इनके बचपन से ही इनके साथ ऐसा काम करेंगे तभी हम इनको आगे चल करके लाइफ में मोटिवेट कर पाएंगे। आप सोचिए ना, आगे चल करके इनको कितने बड़े बड़े हर्डल्स को क्लियर करना है, लाइफ में कितनी कॉम्पिटिशन है उनको फाइट आउट करना है, तो हम इनको अभी से प्रिपेयर करें। ठीक है, अब सिंगल डिजिट, डबल रोज, डबल डिजिट, मल्टीपल रोज हो चुकी है। थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, टेबल्स में परफॉर्म करते हैं।
मैं इन बच्चों से टू डिजिट टेबल्स पूछूंगा। टू डिजिट का सेम मतलब हो गया 10 से लेकर 99 तक के आपके बच्चे जो टेबल्स याद करते हैं वो टू डिजिट टेबल्स में आते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको 20 से अबव वाले टेबल्स आते हैं? अबव 20 टेबल्स किसी को आता है?